हेलो दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं नौरतंसर प्रताप सिंह जी हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा रखता हूं आपको पोएम वन पसंद आई होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंत में मैं आपको वो लिंक दे दूँगा। अभी हम देखेंगे पोएम नंबर टू, पेंसिल क्वेश्चन आंसर के साथ देखेंगे, हिंदी में एक्सप्लेन किया है। चलिए पोएम को समझते हैं। पोएम टू, पेंसिल। माई डॉटर लिटल डियर डॉटर, मेरी बेटी मेरी छोटी प्यारी बेटी, लाइट्स अ पेंसिल विथ अ शार्पनर। पेंसिल को शार्पनर के द्वारा उसको प्रज्वलित कर रही है, मतलब कि शार्पनर जो आपको पता ही होगा कि जिससे पेंसिल को छीलते हैं, अब उसके द्वारा आप जो है वो चित्र बनाने का वो शुरुआत कर रही है। द स्काई ऑफ द वाइट पेपर बिगिंस टू बी फील्ड विथ लाइट। सफ़ेद जो रंग का जो आसमान है, मतलब पेपर जो है उसको एक आसमान के तौर पे बताया गया है, अब उसमें रोशनी भरने वाली है, मतलब अब चित्र बनने वाला है, उसकी शुरुआत हो गई है। अब बच्ची ने कैसे कैसे चित्र बनाए, क्या उसकी कल्पना है, उसके बारे में देखते हैं। द ब्लैक बर्ड फ्लाइंग अवे विद द ट्री, काले कलर का जो पक्षी है वो पेड़ के साथ उड़ रहा है। ग्लासेस ऑन द आईज ऑफ द पीकॉक, मोर की आंखों पर चश्मा। द फायर चैरियट फ्लाइंग इन द एयर, अग्निरथ जो है वो आसमान में उड़ रहा है। द एरोप्लेन वॉकिंग ऑन द रोड, हवाई जहाज रोड पे यानी रास्ते पर चल रहा है। तो ये सारी की सारी जो है एक बच्चे की कल्पना है। द लायन हैविंग अ कन्वर्जेशन विद द काउ, अ वन आइड सन ऑन द ब्लैक ट्री। शेर गाय के साथ बातचीत कर रहा है, एक आंखों वाला सूरज काले पेड़ पर बैठा हुआ है। विथ अ पैच ऑफ क्लाउड ओवर इट, उस पे बादल पे एक धब्बा है। अ ब्लू फिश फ्लाइंग ऑन द फोरहेड ऑफ द क्लाउड, ब्लू कलर की जो मछली है वो क्लाउड यानी कि बादल के मस्तक पर उड़ रही है। द येलो बटरफ्लाई स्विमिंग इन द वाटरफॉल, पीले कलर की तितली वो झरने में तैर रही है। यानी कि काफ़ी अजीब अजीब सी कल्पना है जो यहाँ पे उस बच्ची ने करी है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे कि जो तितली है वो आसमान में उड़ती है, लेकिन बच्चे की कल्पना में क्या है कि वो झरने में तैर रही है, और जो फिश है वो तैरती है लेकिन वो क्या है यहाँ पर बादल में, मतलब मस्तक पर उड़ रही है बादल के मस्तक पर। तो बच्चे जो होते हैं उनकी एक अलग ही कल्पना होती है, वो अलग ही अपनी दुनिया में जीते हैं। तो वही यहाँ पे उसकी कल्पना यहाँ पे जयंत परमार जो हैं पोएट, उन्होंने यहाँ पे बताई है। आगे देखते हैं। माय डियर माय डार्लिंग डॉटर इन हर एक्सटसी, एक्सटसी ये मतलब आनंदित, मेरी प्यारी बेटी वो अपने आनंद में है, मतलब काफ़ी खुश है। इज बिजी ड्राइंग स्ट्रेंज पिक्चर्स, व्यस्त है जीप से चित्र में। बट वैन द स्कूल मास्टर्स गिव्स हर होमवर्क, लेकिन जब स्कूल के जो शिक्षक हैं जो टीचर हैं जब उसको गृह कार्य देते हैं, मतलब घर से जो होमवर्क देते हैं, तब क्या होता है वो देखते हैं। माई डार्लिंग डॉटर ब्रेक्स द टिप ऑफ द पेंसिल इन एंगर, मेरी प्यारी बेटी गुस्से में पेंसिल की जो नोक है उसको तोड़ देती है। मतलब बच्ची है यहाँ पे, उसको होमवर्क करना पसंद नहीं है, वो अपनी कल्पनाओं में जी रही है और उसको ड्राइंग करना पसंद है। तो जब उसके टीचर जो है उसको होमवर्क दे रहे हैं तो उसको गुस्सा आ रहा है। एंड द कैंडल ऑफ द पेंसिल इज एक्सटिंग्विश्ड, अब यहाँ पे जो पेंसिल की जो मोमबत्ती है वो यहाँ पे बुझ गई। ओनली द स्मोक रिमेन्स, सिर्फ धुआं रह गया है। ऑन द स्काई ऑफ द वाइट पेपर, जो सफ़ेद कलर का जो पेपर है उसके आसमान में सिर्फ धुआं ही धुआं रह गया है। मतलब कि यहाँ पे बहुत ही अजीब सी यहाँ पे ड्राइंग जो बनाई जा रही थी बच्ची के द्वारा, तो उसको यही सारी चीज़ें पसंद थी। मतलब बच्चे की जो है अलग से उसकी इच्छा शक्ति होती है, तो हमको बच्चों को समझना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। कोई बच्चे जो होते हैं वो स्पोर्ट्स में आगे होते हैं, खेल में आगे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो ड्राइंग में आगे होते हैं। हर एक की अपनी अपनी मतलब खूबियाँ होती हैं,
तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से इस पोएम को समझाया गया है और हमें बच्चों को उनका महत्व जो है उसके मुताबिक उनको आगे बढ़ने देना चाहिए। तो बहुत ही अच्छे मैसेज के साथ बहुत ही अच्छे से इसको समझाया गया है, बहुत ही खूबसूरत पोएम है। मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये पोएम पसंद आई होगी। चलिए अब हम इस पोएम से जुड़े हुए कुछ सवाल जवाब को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज़ द फिश फ्लाइंग। वेयर यानी कहाँ, फिश यानी मछली और फ्लाइंग यानी उड़ना। मछली कहाँ पे उड़ रही है? द फिश इज़ फ्लाइंग ऑन द फॉरहेड ऑफ द क्लाउड। फिश जो है वो फॉरहेड यानी मस्तक पे उड़ रही है। किसके मस्तक पे? द क्लाउड। मछली बादल के मस्तक पर उड़ रही है, जैसा हमने पोएम में देखा था उस तरीके से इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक दैट द पीकॉक ड्रॉन बाय द गर्ल इज स्ट्रेंज। डू यू थिंक, क्या ये तुम सोचते हो कि मोर जो है बच्चे के द्वारा बनाया गया था वो अजीब है? स्ट्रेंज यानी अजीब। वाई, क्यों? मतलब वो मोर जो बनाया गया था जिसमें उसकी आंखों पर चश्मा था, वो अजीब लगता है या आपको नहीं लगता है, ये आपसे पूछा गया है। आंसर देखते हैं। नो, द पिकॉक ड्रॉन बाय द गर्ल इज नॉट स्ट्रेंज। नहीं, मोर जो बच्चे के द्वारा बनाया गया था वो हमें अजीब नहीं लगता है। बिकॉज चिल्ड्रन हैव अ वंडरफुल इमेजिनेशन। चिल्ड्रन यानी बच्चे, वंडरफुल यानी अद्भुत, इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति जो काल्पनिक होती है, तो वो उनकी बहुत अच्छी होती है, तो वो हमें अजीब नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज द लिटिल गर्ल गेट एंग्री। छोटी बच्ची गुस्सा क्यों हुई है? व्हाई यानी क्यों, एंग्री यानी गुस्सा होना। आंसर, द लिटिल गर्ल गेट्स एंग्री बिकॉज हर टीचर हैज़ गिवन हर होमवर्क। छोटी बच्ची गुस्सा हुई है क्योंकि उसकी टीचर ने उसको गृह कार्य दिया है। एंड शी विल हैव टू स्टॉप ड्राइंग। अब उस छोटी बच्ची को ड्राइंग करना बंद करना पड़ेगा। एंड डू द होमवर्क, और उसको गृह कार्य करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाउ डज द गर्ल, एंग्री गर्ल रिएक्ट। गुस्से में बच्ची कैसे अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, मतलब वो कैसे बर्ताव कर रही है? आंसर देखते हैं। द एंग्री गर्ल ब्रेक्स द टिप ऑफ द पेंसिल। गुस्से में बच्ची पेंसिल की जो टिप यानी नोक उसको तोड़ देती है। विथ विच शी इज ड्रॉइंग, मतलब कि जिस पेंसिल से वो ड्रॉ करती थी उसी पेंसिल की नोक को वो गुस्से में तोड़ देती है, क्योंकि उसको होमवर्क करना पसंद नहीं था। तो आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन होगा, जो रिंग जैसा आइकन होगा, उसको दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी कोई भी नया वीडियो आएगा उसकी। और कोई भी डाउट होता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो उसको आपको आंसर मिल जाएगा। धन्यवाद।